जय हिंद जय कबड्डी दोस्तों, मैं आपका अपना कबड्डी कोच गुरुदेव रुहल और आप सभी दोस्तों का मैं आज फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कबड्डी न्यूज 107 पर। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे गांव की जिसने प्रो कबड्डी को बहुत सारे खिलाड़ी दिए हैं। गांव है पाई, जिला कैथल हरियाणा। पाई एक ऐसा गाँव है जिन्होंने प्रो कबड्डी को अनेक प्लेयर दिए हैं, कई सारे प्लेयर दिए हैं और नेशनल लेवल पर भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर गांव पाई के इस ग्राउंड में दिए हैं। तो आज हम रिपोर्टिंग करेंगे गांव पाई की के कैसे वहां पर प्रैक्टिस होती है, कितने जो खिलाड़ी है वहां पर प्रैक्टिस करते हैं, तो कुछ न कुछ वहां के बारे में आज हम आपके सामने जरूर लेके आएंगे। तो आज हम ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो वो गांव पाई से कर रहे हैं, जो हरियाणा के सबसे बड़े गांवों में से एक है। और ये जो ग्राउंड चलाते थे अभी वो इस दुनिया में नहीं रहे, श्री राजबीर जी कोच जो थे, पालाराम जी कोच, वो कुछ ही समय पहले उनका निधन हो चुका है और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी जो आत्मा जो रूह है वो भी अब भी ग्राउंड से जुड़ी हुई है और बहुत सारे खिलाड़ियों को कामयाब वो कर चुके हैं अपने दम पर, अपनी मेहनत के दम पर। और एक भगवान का दर्जा गांव पाई में खेल कबड्डी के जो भी खिलाड़ी हैं, एक भगवान का दर्जा देते थे राजबीर जी कोच को। तो दोस्तों आज पाई गाँव की हम बात करेंगे। संदीप ढुल, गुरविंदर ढुल, बहुत सारे खिलाड़ी जो प्रो कबड्डी में खेलते हैं। अभी मैं इस वीडियो में आपको साथ के साथ जो भी खिलाड़ी हैं उनके नाम भी मैं बताऊंगा, जिस टीम में वो खेल रहे थे और किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में वो जॉब कर रहे हैं अभी, उन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो ये वीडियो है वो सिर्फ एक ग्राउंड की है। पाई में लगभग 3 से 4 ग्राउंड चलते हैं क्योंकि बहुत बड़ा गांव है और बहुत ज्यादा जो खिलाड़ी वहां पर खेलते हैं, तो इस कारण एक ग्राउंड पर सभी का खेलना संभव नहीं है, इसलिए 4 ग्राउंड वहां पर चलते हैं। तो जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ एक ग्राउंड की बना रहा हूँ। तो चलो दोस्तों आज ज्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं ग्राउंड की तरफ, गांव पाई, जिला कैथल, हरियाणा। तो दोस्तों ये है गांव पाई का होम ग्राउंड। 4 ग्राउंड पाई में चलते हैं, तो उनमें से एक ग्राउंड है जिसपे अभी अभी वार्म अप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसके बाद गेम करेंगे, जो भी आगे की प्रैक्टिस है वो करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ के जो भी खिलाड़ी है, ये एक ग्राउंड के खिलाड़ी हैं, 4 ग्राउंड टोटल वहाँ पर चलते हैं। तो अभी जो राजबीर कोच जी इस दुनिया में नहीं रहे, पहले वो जो हैं इस ग्राउंड को संभालते थे, लेकिन अब उनकी गैर मौजूदगी में ये भाई साहब है जो कोच साहब हमारे राजू कोच है, जो नेशनल प्लेयर हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं, जो वो इस ग्राउंड को संभाल रहे हैं और फुल सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर जूनियर और सीनियर सभी खिलाड़ी। तो अब मैं शुरू करता हूँ कि इस ग्राउंड का जो है अभी तक का क्या रिजल्ट है। तो सबसे पहले मैं नाम लेता हूँ आपके प्यारे खिलाड़ी संदीप ढुल का। तो सबसे पहले संदीप ढुल हैं जो जयपुर की टीम में खेलते हैं, जयपुर पिंक पैंथर्स में, और रेलवे में जो है जॉब करते हैं संदीप ढुल। इसके बाद गुरविंदर सिंह हैं जो रेलवे में जॉब करते हैं और गुजरात की टीम से खेलते हैं प्रो कबड्डी में। और इनके बाद कुलदीप सिंह जो हरियाणा स्टीलर्स में खेलते हैं, और उनके बाद हैं मनोज ढुल, इंडियन नेवी में वो जॉब करते हैं और बंगाल वायरस में खेलते हैं। इनके बाद सोनू लाल इंडियन आर्मी में जॉब करते हैं, वो भी इन्हीं ग्राउंड से हैं। बलबीर सिंह बल्ली जो है वो जयपुर की टीम में खेलते हैं और रेलवे में जॉब करते हैं, वो भी इसी ग्राउंड से जो है संबंध रखते हैं, यहीं पर प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद दीपक ढुल जो पटना की टीम में खेलते हैं, वो भी इसी ग्राउंड के खिलाड़ी हैं। संजय ढुल जो हैं रेलवे में जॉब करते हैं, पटना की टीम में खेलते हैं, और संजय ढुल जो हैं वो राजबीर कोच के लड़के हैं और अच्छे जो है सीनियर खिलाड़ी माने जाते हैं गांव पाई के। और इसके बाद दीपक कुमार जो बंगलोर की टीम में खेलते हैं, दीपक कुमार बंगाल की टीम में। इसके बाद प्रदीप उर्फ बिट्टू जो है वो रेलवे में जॉब करते हैं और पटना की टीम में खेलते हैं। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ नेशनल खिलाड़ी जो हैं, वह है कृष्ण जो है वो नेशनल प्लेयर हैं और साई में ये प्रैक्टिस करते हैं, और जो है अभी गांव पाई में अपना जो अभ्यास है वो कर रहे हैं और इसी ग्राउंड से संबंध रखते हैं कृष्ण जो नेशनल प्लेयर हैं। इसके बाद सीनियर प्लेयर हैं जो बलबीर सिंह पंजाब पुलिस में हैं, और राजू कोच जो मैंने अभी आपको बताया था जो अभी ग्राउंड को संभाल रहे हैं, तो वो भी नेशनल प्लेयर हैं। और ये था आज का इसका ग्राउंड का रिजल्ट, ये सिर्फ इस ग्राउंड का रिजल्ट है, बहुत सारे खिलाड़ी इस ग्राउंड ने दिए हैं अभी तक।
और हम आशा करते हैं कि आगे भी ये जो आप छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, देखिए ये 30-35 किलो वेट के हैं, इनसे भी कम के भी होंगे मैं, तो आगे जाकर ये खिलाड़ी भी जो है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जाएं और गांव पाई का, हरियाणा का और भारत का नाम रोशन करें, ये हम इनसे उम्मीद करते हैं और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। ये सीनियर खिलाड़ी हैं जो बलबीर सिंह, और ये जूनियर खिलाड़ी बहुत सारे आप देख रहे होंगे, इन्होंने भी जो है अपना करियर स्टार्ट कर दिया कबड्डी में, ताकि ये भी आगे जाकर प्रो कबड्डी या फिर नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल में खेल सकें। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, सिर्फ गांव पाई के ही खिलाड़ी हैं इसमें, और कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो अभी ग्राउंड के ऊपर नहीं हैं, अभी प्रैक्टिस में नहीं हैं, किसी इंजरी के कारण या किसी काम के कारण। कैथल का सबसे टॉप जो गांव माना जाता है कबड्डी में पाई, आज उसकी हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर, और हरियाणा के सबसे बड़े गांवों में से भी एक है पाई गांव। इसी कारण यहाँ पर 4-5 ग्राउंड चलते हैं, और ये जो ग्राउंड है यहाँ पर कम से कम भी 4 से 6 ग्राउंड तक चलते हैं, तकरीबन 80 से 100 तक यहाँ बच्चे पहुँचते हैं। ये सिर्फ लड़कों का ग्राउंड है, और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर वार्म अप करने के बाद, कुछ स्किल करने के बाद, यहाँ पर जो होम ग्राउंड का जो अपना गेम है, जो प्रैक्टिस है, वो शुरू कर दिया। अभी गेम कर रहे हैं यहाँ पर ये जो सीनियर खिलाड़ी हैं, तो ये छोटे बच्चे जो 35-40 वेट में हैं, एक अच्छी टीम मानी जाती है 35-40 वेट में भी पाई की, छोटे छोटे बच्चे बड़ाई अद्भुत कमाल करते हैं। तो ये 35 केजी के खिलाड़ी आप देख रहे हैं, 35 से 40-45 के वेट के, और भी पाई में ग्राउंड है, उनकी भी हम रिपोर्टिंग करने की कोशिश करेंगे किसी और वीडियो में। पाई के जो खिलाड़ी है वो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं पूरे भारत में, ये सिर्फ कैथल जिला या हरियाणा की ही बात नहीं, पूरे भारत में बड़े अच्छी टीम मानी जाती है पाई की। और एक टाइम में लगभग 9-10 खिलाड़ी एक जो सीजन था प्रो का उसमें खेले थे, सबसे ज़्यादा खिलाड़ी मेरे हिसाब से पाई गांव के ही थे, एक लीग में एक गांव के तकरीबन 9 खिलाड़ी खेले थे, और बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो जॉब कर रहे हैं अभी अलग अलग जो है डिपार्टमेंट में। तो ये छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं, चैन लगाई और सुपर टैकल, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, ये उनसे भी छोटे हैं। देखिए यहाँ पर खेलने का कितना जज्बा है वो आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं गांव पाई से, इसके बाद हम किसी और गांव में चलेंगे और गांव में हम रिपोर्टिंग करेंगे। फिलहाल हम हरियाणा को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ऑल इंडिया के जो भी ग्राउंड है हम वहाँ पर अकेडमी में जाने की कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सकेगा, लेकिन अभी लॉकडाउन चल रहा है कोरोना के कारण, तो इसलिए कोई भी जो व्हीकल है वो नहीं चल पा रहे, तो इसलिए हम ज़्यादा दूर नहीं जा पा रहे। तो गांव पाई एक ऐतिहासिक गांव है कबड्डी में, इसके बाद हम किसी और गांव की बात करेंगे। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके गांव का भी जो है रिपोर्टिंग की जाए ग्राउंड की, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आपका नाम, आपका एड्रेस, जो भी है आपका मोबाइल नंबर, और आपका जो भी एड्रेस है और नाम आपका वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके ग्राउंड की भी रिपोर्टिंग हो। बहुत लंबे समय से इस गांव में कबड्डी खेली जाती है, ये नहीं है कि यहाँ पर अभी शुरू किया हो, बहुत लंबे समय से। तो दोस्तों आज हम पहुँचे हैं पाई में, तो इसके बाद हम किसी और गांव की भी बात करेंगे, लेकिन कुछ वीडियोज़ हमारी रहती है यहाँ पर,
जो प्रो कबड्डी के खिलाड़ी हैं, हम उनका इंटरव्यू भी जो है बहुत जल्द शुरू करने की सोचेंगे। लेकिन आपको पता ही है कि हालात कुछ ऐसे हैं, जो हम सोच रहे हैं वो काम अब फिलहाल कर नहीं पा रहे कोरोना के कारण। तो जल्दी से जल्द हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए नई सी नई वीडियो, अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आएँ। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा लेना, ताकि आगे आने वाली न्यूज़ भी आप तक पहुंचती रहे। यदि आप भी कबड्डी से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। तो आगे मिलते हैं हम किसी और वीडियो में। आज की वीडियो जो है वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय कबड्डी।